हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लेडीज़ पर्स। तो बहुत सरल तरीके से मैंने इसको बनाना बताया, तो आप लोग भी बहुत आसानी से इसको बना लेंगी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा बना है। सिर्फ हमको यहाँ पे कट लगाना है, ये देखिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। चलिए तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये मैंने कपड़े में कटिंग कर ली है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं कितनी रखी है। इसकी लंबाई रखी है मैंने 16 इंच और चौड़ाई है 11 इंच। इसी तरह से अस्तर की पट्टी कट करना है, तो इस तरह से ये मैंने पट्टी कट कर ली है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे हम। इसको बराबर रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड हम निशान लगाएंगे, तो मैं यहाँ निशान लगा के बता देती हूँ कितने पे लगाना है। यहाँ पर हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखिए। लंबाई चौड़ाई बराबर रखना है, 1.5 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इसको यहाँ से मिला लेंगे, ये देखिए, इस तरह से निशान लगाना है। फिर ऊपर साइड हम निशान लगाएंगे, ये खुला भाग है, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे चौड़ाई लेंगे, निशान लगा लिए। इस निशान को और इसको मिला देंगे, देखिए इस तरह से हमको निशान लगाना है। दोनों साइड इसी तरह से हम निशान लगाएंगे। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमको निशान लगाना है। तो हम 2 इंच लेंगे, ये देखिए, ऊपर से लेंगे नीचे तक, हमने 2 इंच पे निशान लगाया। अब इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद इसको यहाँ से कट करना है। हमने यहाँ से कटिंग कर ली है। अब इस तरह से ये कपड़ा लेना है, अस्तर का कपड़ा है ये, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं कितनी है। इसकी मैंने लंबाई रखी है 12 इंच और चौड़ाई है 11 इंच। और इस तरह की ये चेन लेना है, तो अब हम इसको लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए, इस तरह से उल्टी चैन रखेंगे और इसको सिलाई डालेंगे। और यह अस्तर का कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे, ये देखिए। अब इसमें सिलाई डालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई डाल लेते हैं। हमने इसमें सिलाई डाल ली, अब इसको पलट लेंगे, ये देखिए, इस तरह से हमने पलट लिया। और अब हम यहाँ से एक सिलाई और डालेंगे, इस तरह से हमने इसमें सिलाई डाल ली है। अब इस अस्तर को कपड़े को इस तरह से यहाँ ले आएंगे, ये देखिए, इसको इस तरह से रखेंगे, बराबर रखना है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, देखिए, पहले हमने अस्तर है, फिर ये चैन है, फिर ये वाला कपड़ा है, तीनों को साथ में रख के हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई
सिलाई डालने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे और एक सिलाई ऊपर से डालेंगे हम इस तरह से। इसको दबाते हुए हम एक सिलाई डाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिलाई डालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमको दिख रहा है ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर देना है। देखिए जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर दिया है। अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे, तो अस्तर का ये मैंने पट्टी पहले ही कट करके रखी थी, तो इसको इस तरह से लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से, और एक सिलाई हम यहाँ से लगा देते हैं। देखिए हमने इसमें सिलाई डाल ली है। सिलाई डालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी हमने कट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने ये चैन डाली है। अब इस तरह से ये बेल्ट बनाना है, तो मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ कितनी रखी है। इसकी मैंने पूरी लंबाई रखी है 15 इंच और चौड़ाई है 1 इंच। अब बीच से हम निशान लगा लेंगे, इसको बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से, बराबर फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगा लिया, अब ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरफ, और इस तरफ भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। बेल्ट को रखेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रखना है, और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे हम दोनों साइड। इसी तरह से बेल्ट लगाना है, दोनों साइड हमने ये बेल्ट लगा लिए हैं। अब इस तरह से ये चैन लेना है। अब हम यहाँ पे चैन लगाएंगे, तो इसको उल्टी रखेंगे, ये देखिए, और एक सिलाई यहाँ पे लगा देते हैं। हमने यहाँ पे सिलाई डाली है, अब इस तरफ भी हम सिलाई डालेंगे। इस तरह सिलाई डालना है, ये देखिए। देखिए हमने इसमें सिलाई डाल ली है, अब इसको पलट लेंगे हम। देखिए हमने इसको पलट लिया, इस तरह से ये हुक लेंगे और चैन में डालना है। अब इसको हम पलट लेते हैं। देखिए हमने इसको पलट लिया, अब यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई डालेंगे दोनों साइड। इसी तरह से सिलाई डालना है इसमें, इनको बराबर मिला के, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई डाल ली है, अब यहाँ हम कोने से सिलाई डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं, और दोनों साइड इसी तरह से हमको सिलाई लगाना है। तो चलिए हम इनमें सिलाई डाल लेते हैं। देखिए हमने दोनों साइड से इसमें सिलाई डाल ली है, अब इसको यहाँ से चैन को खोलेंगे और इसको पलट लेंगे हम। देखिए हमारा ये छोटा सा पर्स तैयार हो गया, ये देखिए।